देखो लास्ट लेक्चर में हम एनिलीन वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जिसमें अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है बट वो ईएसआर नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं है उनको हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें कुछ रिडक्शंस के बारे में हमने बात करी और बी के कुछ एन रिएक्शंस के बारे में हमने बात करी उससे रिलेटेड एक आज मैंने ब्रॉडकास्ट में ट्वेंटी क्वेश्चन अपलोड ए से बी बी से सी, ठीक है आज अभी जस्ट ओके, फोर बी में नहीं आए होंगे बाकी तो जो है ठीक है क्या है लावारिस है गजब यार तू है इतिहास रचेगा तू है ठीक है <coughs> चलो अगला दो तो रिएक्शन और उसके बाद इस टॉपिक से बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अगले दस पंद्रह दस मिनट के अंदर लिखे कार्बाइल अमाइन टेस्ट कार्बाइल अमाइन टेस्ट हाँ फैन चला देना ये फुल स्पीड में फीवर आ रहा है इधर आ उधर चला जाओ वहां पे ओके देखो अब तक जो मैंने मतलब आज तक का जो लेक्चर हम समाप्त करेंगे जिस दिन से हमने रिएक्शन स्टार्ट करा था और जितने भी रियजेंट हमने याद करे हैं उसमें हमने ऑर्गेनिक में आने वाले छे सात क्वेश्चन का शिकार किया है मतलब छह से सात क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे ये हमारे एबीसीडी और जो भी हमने लिखे हुए हैं नोट्स में ठीक है आज जो मैंने क्वेश्चंस बना के दिए हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एज इट इज मैच होगा आपके नीट एग्जाम में पेपर तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या है पहले बताओ बोलवे का इलेक्ट्रोफाइल क्या है सीओ टू और रीमा टीमा कार्बीन रीमा टीमा कार्बीन। कार्बीन में सीएल कितने हैं दो दो सीएल हटाकर दो क्या लगता है ओ पानी निकलकर एल डी आई और प्रोडक्ट बनता है सेलिस एल डी आई मैंने आपको बोला था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो के ऊपर क्लोरोफॉर्म और एनएस दो जगह आता है यदि फिनॉल के सामने आया तो रिएक्शन का नाम है रीमा टीमा और अगर यह प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट तो अगर यह प्राइमरी अमाइन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों में से किसी के भी सामने आ जाए तो इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट बताओ फिनॉल के सामने आया तो नाम रीमा टीमा और अमाइन के सामने आया तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट अब क्लोरोफॉर्म और एक दूसरे के संपर्क में आके बनाते हैं बिन 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 कार्बीन ठीक है अब कार्बीन में प्रोडक्ट कैसे बनता है यहां पर डायरेक्ट ये प्राइमरी अमाइन है एनिलीन है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटकर इस पर सी लग जाता है ये कार्बीन का बताइए साइनाइड या आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है और नाम है कार्बाइल अमाइन और कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्यों बोला कि जैसे ही आइसोसाइनाइड बनता है यहां से बदबू आ जाती है तो बदबू आते ही कंफर्म हो गया कि बदबू आइसोसाइनाइड की थी और आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बाइल अमाइन है इसलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट बताओ प्राइमरी अमाइन टेस्ट को देगा या सेकेंडरी प्राइमरी यह बताओ प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी प्राइमरी तो अगर आपने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन में भी क्लोरोफॉर्म और एनएच ऐड करा तो इस नाइट्रोजन पर सी लग गया बताओ आइसोसाइनाइड आइसोसाइन तो जितने भी प्राइमरी अमाइन है वो स्ट्रेस को देंगे अब फोटो तो दिख जाएगा प्राइमरी अमाइन जब नाना पाटेगर से डायरेक्टली एक करीना जुड़ी तो इसे कौन सा अमाइन प्राइमरी जब नाना पाटेगर से अगर डायरेक्टली दो करीना जुड़ी तो इसे कौन सा सेकेंडरी और नाना पाटेगर से तीन करीना जुड़ी तो टर्शरी तो ये अमाइन फोटो दिखकर तो जो है सॉल्व हो जाएगा बट अगर नाम से आ गया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टूडेंट का हमारा गलत नहीं होगा दो पांच मिनट का इन्वेस्टमेंट लगेगा मिथाइल या सेकेंडरी कितने मिथाइल दो मिथाइल तो उसे बोलेंगे डाई मिथाइल अमाइन बताओ डाई मिथाइल अमाइन प्राइमरी या सेकेंडरी मिथाइल 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 कितने मिथाइल ट्राई मिथाइल अमाइन कौन सा है टर्चरी कौन बताओ प्राइमरी अमाइन देगा सेकेंडरी या टर्सरी ट्राई मिथाइल अमाइन देगा टाई मिथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन तो जिस भी नाम के आगे अगर मैंने डाई और ट्राई लगा दिया तो वो टेस्ट नहीं देगा अब भले आपको फोटो आए या ना आए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है जैसे मैंने यहां पर लिखा इस भाई साहब का नाम है इथाइल अमाइन बताओ देगा या नहीं देगा मैंने यहां पर फोटो लिखा इस तरह से डाई इथाइल अमाइन देगा और मैंने यहां पर फोटो लिखा ट्राई इथाइल अमाइन देगा या नहीं देगा है देगा या नहीं देगा बताओ प्राइमरी अमाइन देगा या सेकेंडरी अब बताओ ट्राई मिथाइल अमाइन देगा ट्राई मिथाइल अमाइन ओके ट्राई अमाइन ट्राई इथाइल ओके ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन देगा फोटो गया भाड़ में आप नाम से ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन और आइसोप्रोपाइल अमाइन क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ओके अब एक और क्वेश्चन सुनिएगा ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन डाई टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन देगा ठीक है टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन देखने में ऐसा लगता है नहीं देगा ठीक है मगर वो दिमाग में इमेज बन गया राइट टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन और डाई टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन और ट्रसरी ब्यूटाइल अमाइन देगा बताइए प्राइमरी अमाइन देगा है, सेकेंडरी? पक्का। अब डाउट आता है कि सर प्राइमरी अमाइन ही स्ट्रेस को क्यों देता है तो थोड़ी सी कहानी जो है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक मैक मतलब माचिस या मैकेनिज्म अब मैकेनिज्म में ये बिन 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 कार्बिन कार्बिन के पास क्या वेकेंड ऑर्बिटल है तो ये कार्बिन जो है इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रही है भटक रही है भटक रही है सामने इसने नाना को देखा किसको देखा नाना को जैसे ही नाना नाना को इसने देखा नाना के पास लोन पेयर होता है या नहीं होता है वो तो जीओसी में होता था मगर यहां दिया ही नहीं है कैसे देखना है मन की आंखों से तो ये जो है नाना के पास जैसे ही नाना के करीब पहुंची इसको लगा था कि नाना के इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे और नाना को लगा भी कि इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते मदद करना अच्छी बात है मगर नाना को एक बात याद आ गई कि जैसे ही मैं लोन पेयर दूंगा नाना के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव नाना घबरा गया क्योंकि नाना के ऊपर अनस्टेबल नाना घबराएगा नहीं घबराएगा घबरा अब साहब जब नाना घबरा गया मगर जैसे ही उसने अगल और बगल में भिकमंगे देखे क्या देखे भिकमंगे नाना मन ही मन खुश हो गया ठीक है क्योंकि उसे पता है किसके इलेक्ट्रॉन उखाड़ लिए जाएंगे हाइड्रोजन के उखड़ेंगे नहीं उखड़ेंगे उखड़ेंगे तो जैसे ही यहां पर नाना ने इलेक्ट्रॉन दिए सब इलेक्ट्रॉन देते ही इस नाना के ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव कुछ समय के लिए नाना परेशान हुआ मगर नाना ने जो है अपने अगल और बगल में क्या देखे भिकमंगे नाना कितने बार इलेक्ट्रॉन उखाड़ सकता था दो बार भिकमंगे समझ चुके थे हमारे साथ क्या होने वाला है ये रिक्वेस्ट कर रहे है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मगर नाना नहीं छोड़ेगा अब साहब यहां पर यह कांड होने ही वाला था इतने में साहब इस भिकमंगे की नजरे सामने राजकुमारी पे पड़ी किस पे पड़ी राजकुमारी पे और इस भिकमंगे की नजरे भी किस पे पड़ी राजकुमारी पे भाई साहब इतिहास का काला दिन है दोनों राजकुमारियां भिकमंगों के साथ भाग गई किसके साथ भाग गई किसके साथ भाग गई भिकमंगों के साथ और भिकमंगों के साथ भागते ही, यहां पर जो है ये बन गया इसका नाम क्या है आईसोसाइना और ये भागते ही, यहां से बदबू भी आ गई क्या आ गई बदबू और वो बदबू किसकी वजह से आई कार्बाइल तो बताइए इस कार्बिन में राजकुमारियां कितनी है इन दो राजकुमारियों को भगाने के लिए हमें कितने भिकमंगे चाहिए दो और वो दो भिकमंगे प्राइमरी अमाइन के पास है या नहीं है तो प्राइमरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा नहीं देगा तो चलिए बताइए पापियों क्या ये कारबाइल टेस्ट देगा नाम से तो हमने कर लिया फोटो से बताओ कारबाइल टेस्ट देगा ये दे देगा ये बताओ देगा दे ये बताओ क्या इसका इतना औकात है आपकी आंखों के सामने कारबाइल अमाइन टेस्ट अच्छा अब बताओ कारबाइल अमाइन टेस्ट कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा ना ये बताओ कारबाइल अमाइन टेस्ट देगा प्राइमरी अमाइन देगा सेकेंडरी या टर्सरी है मिथाइल अमाइन देगा इथाइल अमाइन आइसोप्रोपाइल अमाइन ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन तो बताइए प्राइमरी अमाइन देगा या सेकेंडरी अमाइन अच्छा बताइए क्या है? इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने कार्बाइल अमाइन टेस्ट दे जाए अच्छा अरे यार बताओ क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कार्बाइल टेस्ट देने की गुस्ताखी का काउरेगा का बताओ क्या ये अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा ये बताओ अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा चारों ऑप्शन में से कौन अमाइन टेस्ट देगा? देगा नहीं देगा नीट का नाम सुनाए क्या neet 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कारवाग... फोकट का नंबर है आता है तो आंसर आता है नहीं तो नहीं आता है बताओ मगर नाम से भी पूछा गया कई बार बताओ एनिलीन टेस्ट देगा वो बाद में देगा पहले फोटो बताओ एनिलीन का ठीक है मिथाइल अमाइन देगा टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन और डाई टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन समझ में आया नहीं आया तो भैया इसके बारे में लिखेंगे कारबाइल अमाइन के बारे में लो उस दिन आपने बंद कराई थी ना क्लास कि बस रहने दो सर अब है ना हाँ यही था ना आज आज ये मेरे पास इधर बाहर आया सर आज आठ तक ठीक है लिखो लिख लिख ऑल दी एलीफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑल दी एलीफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन all the aliphatic and aromatic primary amine gives positive carbyl amine test po gives positive carbyl amine test but secondary and tertiary amine, but secondary and tertiary amine cannot give carbile amine test. लिखा ओके okay, बोर्ड पर देखेंगे हम एबीसीडी क्वेश्चन में एक रिएजेंट यूज करते आ रहे हैं काफी दिनों से और उसका नाम है टाई एजोटाइजेशन यूज कर रहे हैं देखो अगर कोई भी रिएजेंट मैं यूज कर रहा हूं तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि जिस दिन पढ़े उस दिन वो रिएजेंट आपको याद रहे भाई ठीक है ताकि उस दिन आपके ऊपर कोई लोड ना आए सिर्फ समझे और आगे निकल चले ठीक है तो ये इतना सा मेन मोटिव है डाई कहीं ना कहीं एबीसीडी में कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन बेस्ड या जो है कॉलम मैचिंग क्वेश्चन में डाई एजोटाइजेशन मैक्सिमम क्वेश्चन में था और वो रिएजेंट ऐसा है कि लास्ट के लेक्चर्स में आता है इसीलिए हमने लास्ट के लेक्चर का पहले शिकार करा और उसको हम पहले से पढ़ रहे हैं साहब डाई एजोटाइजेशन का रिएजेंट क्या होता है लिखा था हमने क्या था एन एनो टू और एस सी एल एन रिएजेंट टू एस सी एल का फोटो साहब ऐसा होता है और एस सी एल एक तरह का एसिड है एसिड किसे देखेगा बेस को बेस किसे देखेगा एसिड को आंखों ही आंखों में क्या होगा एसिड में भाई साहब कई बार एग्जाम में डाई एजोटाइजेशन में NaNO2HCl की जगह सिर्फ SrHNO2 भी लिखा होता है तो साहब HNO2 का नाम क्या है नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड है नाइट्रस एसिड ठीक है तो साहब यहां पर जो है HNO2 भी लिखा हो सकता है अगर प्राइमरी अमाइन के सामने लिखा रहे NaNO2HCl या फिर लिखा रहे HNO2 तो क्या दोनों रिएक्शन का मतलब सेम रहेगा या नहीं रहेगा रहेगा साहब यहां पर एन एनओ टू एस सी एल में एच प्लस प्रेजेंट होता है ये एच एनओ टू का भी लोन पेयर खा सकता है और यहां से जोनों के बीच में से पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद जो है यहां पर इस तरह का नाइट्रोसोनियम आयन भी बन सकता है अब इस रिएजेंट को देखकर बताओ क्या एन एनओ टू एस सी एल में एच एनओ टू प्रेजेंट है या नहीं है देख लो है या नहीं है, है। बताओ क्या एन एनओ टू एस सी एल में पानी प्रेजेंट है या नहीं है मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता था आप निपटे बताओ पानी प्रेजेंट है या नहीं है और रिएक्ट करके बन रहा है बताओ ए, HNO2 प्रेजेंट है नाइट्रस एसिड प्रेजेंट है पानी प्रेजेंट है नाइट्रस एसिड क्या होता है HNO2 तो बताइए दोनों रिएक्शन का मीनिंग सेम है या अलग है या अलग है ओके यहां पर मैंने लिखा HNO2 क्या डाई एजोटाइजेशन तीनों रिएजेंट का मतलब सेम है या नहीं है है ये बताओ प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी ये? ये ये क्या तीनों प्राइमरी अमाइन है बताइए बच्चों तीनों में पानी है या नहीं है बच्चों जहां पर एनएच जुड़ता है उस कार्बन पर पानी से डायरेक्ट जुड़ सकता है ओ क्या जुड़ सकता है ओ एच जहां पर एनएच प्रेजेंट है उस कार्बन पर पानी से डायरेक्ट क्या जुड़ सकता है ओ एच जहां पर एनएच प्रेजेंट है उस कार्बन पर डायरेक्ट क्या जुड़ सकता है ओ एच ये बताओ एल्कोल है या फिनॉल मुझे नहीं आता और ये क्या है ये बताइए अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का डाइजोटाइजेशन हुआ तो क्या बन सकता है फिनॉल और एलिफेटिक का हुआ तो एल्कोहल पहले बताओ एनएन टू -E में पानी है या नहीं है हैं यहां पानी यहाँ पानी तो पानी जो है यहां पर एनएच टू हटाकर क्या लगा देगा ओ एच यहां भी क्या लगा सकता है ओ एच भी क्या लगा सकता है ओ एच अब कहानी को समझते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में जो डाई एजोटाइजेशन करते हैं इस नाइट्रोजन पर ये वाला नाइट्रोजन आकर यहां पर बना देता है बेंजीन डाई एजोनियम आयन बेंजीन डाई एजोनियम आयन तो यहां पर भी बना देगा बेंजीन डाई एजोनियम आयन बताओ रेजोनेंस के छे केस पता है क्या होता है पाई सिंगल वेकेंट पाई सिंगल लोन पेयर पाई सिंगल फ्री रेडिकल पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई पाई सिंगल पाई अब यहां देखो पाई सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है यहां देखो पाई पाई सिंगल हो रहा है क्या पाई सिंगल पाई हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है कौन सा वाला पाई सिंगल पाई क्या हो रहा है पाई सिंगल पाई बताइए क्या एरोमेटिक डायजोनिया माइन में रेजोनेंस हो रहा है एलिफेटिक में तो बताओ रेजोनेस स्टेबल या अनस्टेबल बताओ एरोमेटिक डायजोनिया माइन ज्यादा स्टेबल या एलिफेटिक क्यों ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस की वजह से यह क्या होगा स्टेबल और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक डाई एजोनियम ज्यादा स्टेबल या बेंजीन को आप भी लिख सकते हैं बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है यहां पाई है पाई सिंगल पाई हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी सिक्स एस फाइव बताओ रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है कौन सा पाई सिंगल पाई अब बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा पाई सिंगल सिंगल पाई हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए एबीसी में से अनस्टेबल डायजोनियमाइन क्यों है रेजोनेंस नहीं है एबी ज्यादा स्टेबल क्यों है रेजोनेंस है क्या कहानी क्लियर है तो बच्चों रेजोनेंस होने की वजह से अगर एग्जाम में पूछा जाए एरोमेटिक डायजोनियमाइन ज्यादा स्टेबल या एलिफेटिक ये बताइए स्टेबल है या अनस्टेबल तो भाई साहब अनस्टेबल होने की वजह से यहां से N2 निकलता है और यहां पर डायरेक्ट H2O से इस कार्बन पर क्या जुड़ जाता है OH तो बताइए यहां पर डायरेक्टली H2O से क्या जुड़ गया OH अब ये डाउट आ रहा है क्या पानी कहां से है पानी है या नहीं है ये बताइए यहां से ये रेजोनेंस से स्टेबल है या नहीं है तो भाई ये कहानी टेम्परेचर डिपेंडेड बन जाती है लो टेम्परेचर पर तो बन जाता है पीडीसी और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दे तो यहां से N2 हटकर इस कार्बन पर क्या जुड़ जाता है OH? क्या जुड़ता है बनाएगा या और ये वाला स्टेबल होने से क्या ये कहानी टेम्परेचर डिपेंडेड है लो टेम्परेचर पर क्या बनेगा पीडीसी और हाई टेम्परेचर पर फिनॉल लो टेम्परेचर पर पीडीसी हाई टेम्परेचर पर फिनॉल ओके जवाब दीजिएगा पहले बताओ क्या ये एनिलीन है डाइजोटाइजेशन करेंगे क्या स्टेबल डाइजोनियम बनेगा लो टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो बताओ ये इथेन अमाइन है या प्रोपेन अमाइन है इथेन अमाइन की रिएक्शन एच टू के साथ कराए तो अनस्टेबल डाईजोनियम आइन बनता है स्टेटमेंट सही है गलत है? की है टू के साथ कराएं तो स्टेबल डाईनियम आइन बनता है सही गलत है ओके, अब एनिलीन की है? टू के साथ है, तो स्टेबल बनता है सही गलत अब स्टेटमेंट सही है टेम्परेचर हाई करने पर भी स्टेबल बना रहता है सही है गलत है क्योंकि टेम्परेचर हाई करने पर एन टू हटकर क्या लग जाता है ओ तो बताइए ये लो टेम्परेचर पर स्टेबल है या हाई टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने पर एन टू हटाकर क्या जुड़ जाएगा ओ एच क्या जुड़ेगा ओ एच भाई कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स की जो है ग्लांस बायोलॉजी के चैप्टर की ग्लांस नोटबुक्स जो बुक स्टोर से ले लेना फिजिक्स की एक्स्ट्रा एज और फिजिक्स की एक्सपेरिमेंटल बुक और ये क्या है प्रैक्टिस केमिस्ट्री की बुक सी बी एस सी बुकलेट सीबीएससी बोर्ड ये जो बुकलेट हैं आप घर जाते हुए सुबह जब क्लास के लिए आएंगे तो बुक स्टोर से ले लें ठीक है फाइनली मैंने एक कहानी आपको याद कराई कि एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है पीडीसी मगर हाई करेंगे तो क्या बनेगा ठीक है तो बताइए ठंडे माहौल में क्या बनता है पीडीसी गर्म माहौल में फिनॉल क्या माहौल डिपेंडेड है या नहीं है माहौल गर्म कर देंगे तो फिनॉल और माहौल ठंडा होगा तो पीडीसी क्या बीडीसी रज्जो स्टेबल है या नहीं है कर लोगे भाई साहब इस बीडीसी से स्टेबल और अनस्टेबल का क्वेश्चन नीट एग्जाम में और ए आई एग्जाम में पूछा गया ए आई एग्जाम में क्वेश्चन आया 2014 में और फिर क्वेश्चन वापस 2022 में रिपीट हुआ क्वेश्चन क्या था देखिएगा बताओ ये डाई एजोनियम आयन स्टेबल या अनस्टेबल मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता आप भी बर्बाद हो ठीक है ओके okay, ये बताओ ये डाई एजोनियम आयन स्टेबल या अनस्टेबल है अनस्टेबल है अच्छा ये बताओ मेरे लिए बहुत आसान है बेंजिन लिखना ठीक है मगर आप नहीं पढ़ जाओगे अगर ये इमेज अगर दिमाग में बन गई तो फिर मजा आ जाएगा बताओ स्टेबल डाई एजोनियम आयन है या नहीं है बताइए तीनों में से कौन सा डाई एजोनियम आइन ज्यादा स्टेबल है क्यों ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है तो ये बताओ अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का कराएंगे एनएस टू हटाकर क्या लगेगा ओ एच OH. दारू का खुशबू आएगा नहीं आएगा आएगा मगर एनिलीन में टेम्परेचर डिपेंडेड है या नहीं है है। लो टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर कुछ स्टेटमेंट के जवाब दे दो थेनाइन का डाई एजोटाइजेशन करने पर एल्कोहल बनता है हैं? एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करने पर बीडीसी बनता है, गलत। ठीक है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करने पर लो टेम्परेचर पर बीडीसी बनता है टेम्परेचर हाई करने पर फिनॉल बनता है सही है अब बताओ कि इसके बारे में लिखवा दूं या स्पेस छोड़ना पड़ेगा क्या है पहले लिखोगे चलो यहाँ तक पहुँचो पहले अभी ये मत छापना यहां यहाँ बहुत सारा लिखना है ठीक है छाप लिया भाई यहां तक की बात कर रहा हूं मैं इसमें एक लाइन लिख लो अच्छा अच्छा यहां दो लाइन छूटा हुआ है नीले कलर से लिख मत लेना दो लाइन नहीं, मैं तो इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि एरोमेटिक इन ज्यादा स्टेबल है या एलिफेटिक रेजोनेंस और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया कौन सा डाइजोनियम आइन ज्यादा स्टेबल है इसमें क्या हो रहा है रेजोनेंस <coughs> लिखे इसमें जगह इस जगह विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट तो बताओ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन देगा या एलिफेटिक दोनों मगर प्राइमरी देगा या सेकेंडरी फर्स्ट ने क्यों नहीं दिया सेकेंडरी है थर्ड ने क्यों नहीं दिया थर्ड ने क्यों नहीं दिया सेकेंड ने क्यों नहीं दिया फोर्थ ने क्यों नहीं दिया अच्छा प्राइमरी अच्छा, ही टेस्ट क्यों दे रहा है क्योंकि दोनों राजकुमारियों को भगाने के लिए कितने हाइड्रोजन दो टेस्ट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आइसोसाइनाइड बदबू क्रिएट करता है उस बदबू की वजह से इसे टेस्ट बोला है ठीक है लिखेंगे डाइजोटाइजेशन के बारे में लिखो भाई फर्स्ट डाइजोटाइजेशन के बारे में लिखें। इफ एनिलीन रिएक्ट विद एच एन ओ टू एच एन ओ टू के ब्रैकेट में लिख लो डाइजोटाइजेशन फ एनिलीन रिएक्ट विद एच एन ओ टू ब्रैकेट में लिख लें डाइजोटाइजेशन देन एट द लो टेम्परेचर इट विल प्रोड्यूस पी डी सी इट विल प्रोड्यूस पी डी सी बट एट दी हाई टेम्परेचर ऐसे लिखो मत लिखो ऐसे लिखो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज दैन बीडीसी विल कन्वर्ट इनटू टू फिनॉल इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन बी विल कन्वर्ट इनटू टू फिनॉल तो आप देखिए टाइजोटाइजेशन लो टेम्परेचर पर करा तो क्या बना बीडीसी मगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये बीडीसी किस में कन्वर्ट हो गया फिनॉल नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एरोमेटिक टाइजोनियम आयन एरोमेटिक टाई एजोनियम आयन ये फोटो बनाओ ब्रैकेट में ये वाला सी सिक्स एच फाइव ये वाला फोटो बना लो सी सिक्स एन एच फाइव एन टू प्लस सी एल माइनस इज मोर स्टेबल एरोमेटिक टाई एजोनियम आइन इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक टाई एजोनियम आइन एलिफेटिक टाइ एजोनियम आइन ये फोटो बना लो एलिफेटिक में ये वाला फोटो बना लो बनाया बिकॉज एरोमेटिक टाई एजोनियम आइन इज रेजोनेस स्टेबलाइज बिकॉज एरोमेटिक टाई एजोनियम आइन रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉड्यूल सिक्स है क्या किसी के पास बिकॉज एरोमेटिक डाईजोनियम आइन इज रेजोनेंस स्टेबिलाईज लिखा यहां क्वेश्चन लिखो अच्छा ये छाप रहे हो भी तर छापो भटाफट भटा. छाप लिया हाँ एक लाइन छोड़ देना क्वेश्चन लिखने के लिए छाप लिया लिखे यहां पर क्वेश्चन बहुत सालों बाद आया यार कहा थे हाँ कहां थे, थे? तबियत कितने दिन घबराहट तो नहीं होती एकदम से क्लास में हो जाती चलो अभी थोड़ी देर में सब समझ में आएगा ठीक है नहीं वो रेगुलर आता है भाई ठीक है ओके okay, लिखेंगे इसमें विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड सॉरी 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 विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल डाई एजोनियम आयन ज मोस्ट स्टेबल टाई एजोनियम आयन तो बताओ कौन सा आयन मोस्ट स्टेबल है सी ठीक है अब सेम कॉन्सेप्ट नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आया तो लिखे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसके बाद क्वेश्चन लिखें ये तो एक क्वेश्चन हो गया अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और करके मत लिखना अलग से क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आया इसमें लिखें, इस है इसमें लिखे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एलिफेटिक रिएक्ट विद एन ओ टू मतलब क्या है एच एन ओ टू का आई मैंने एनए एन ओ टू तो याद करा दिया मगर अब मेरी जिम्मेदारी है एच एन ओ टू भी याद कराना ठीक है क्योंकि आप तो शायद कह रहे जिम्मेदार एच एन ओ टू के आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद एच एन ओ टू दैन इट विल प्रोड्यूस दोबारा रिपीट करूं देन इट विल प्रोड्यूस अनस्टेबल टाई एजोनियम आयन दोबारा रिपीट कर रहा हूं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद एच एन ओ टू प्रड्यूस अनस्टेबल टाईनियमाइन फर्स्ट स्टेटमेंट ये है बताओ स्टेटमेंट सही है या गलत है तो ये स्टेबल क्यों है रेजोनेस है कौन सा वाला पाई सिंगल पाए स्टेटमेंट टू लिखेंगे अच्छा ये जो स्टेबल है ये लो टेम्परेचर पर है या हाई टेम्परेचर लो डायजोनियम डायजोनियमाइन लो टेम्परेचर पर है या हाई लो स्टेटमेंट टू लिखें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद एच एन ओ टू रिएक्ट विद एच एन ओ टू फॉर्म डाई एजोनियम आयन फॉर्म डाई एजोनियम आयन विच आर स्टेबल बताओ विच आर स्टेबल ये स्टेटमेंट सही है या गलत है क्यों विच आर स्टेबल विच आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर सही है गलत है बताइए स्टेबल तो है मगर कौन से टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन टू हटकर क्या लग जाएगा ओ एच OH. बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत तो फर्स्ट तो ट्रू है और सेकंड फॉल्स है ठीक है अगर यहां टेम्परेचर लो लिख दिया जाता तो ये स्टेटमेंट क्या होता सही है मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो तो, बताओ ए और बी दोनों का रिएक्शन हमने HNO2 के साथ कराया बताओ कौन स्टेबल डाइजोनियम आयन बनाएगा बी बनाएगा नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा तो यहां डायरेक्ट एनएस क्या लग जाएगा ओ OH. एच क्या यह कहानी टेम्परेचर डिपेंडेड है लो टेम्परेचर पर पीडीसी टेम्परेचर हाई करेंगे फिनॉल बस ये तीन कहानी धीरे धीरे में याद हो जाएगा तो उसका टेंशन नहीं लेने का अच्छा बताओ एक हवा में थोड़ा सा एक एबीसीडी क्वेश्चन कर लेते हैं बताओ क्या ये बेंजीन है एच एन ओ थ्री डाल दो सल्फोनेशन या नाइट्रेशन क्या बना नाइट्रो बेंजिन का इमेज आ रहा है एनओ टू को बनाना आता है क्या डाले एस एन एनिलीन बन गया या नहीं बना एनिलीन का इमेज आ रहा है बेंजिन पर वो लगा क्या लगा है अब इस एनिलीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ क्या है डाइजोडाइजेशन दाई है या नहीं है माहौल ठंडा है क्या बना उसका नाम बताओ माहौल गर्म हो गया नहीं नहीं माहौल ठंडा है बीडीसी का इमेज जा रहा है क्या ये बीडीसी रज्जो स्टेबल है क्या बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है मैंने इसमें इथेनॉल ऐड कर दिया क्या बनेगा क्या बनेगा बेंजीन बेंजीन का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा इस बेंजीन पर मैंने ऐड करा मिथाइल क्लोराइड एल सी एस थ्री बताओ अल्काइलेशन या अल्काइलेशन का सी एस थ्री प्लस आएगा बेंजीन पर जाएगा टॉलवीन बनेगा टॉलविन का इमेज आ रहा है क्या जुड़ा सी एस थ्री हॉट का नाम सुना है क्या बन गया बेंजोइक एसिड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है एक दिन बेंजोइक एसिड के मोहल्ले में आया निमोनिया कौन आया निमोनिया कुछ कुछ होगा एसिड बेस को देखेगा पहले क्या बनेगा सॉल्ट हीट करेंगे अमाइड बेंजीन सीओ एनएच टू सीओ बेंजीन एनएच टू पी आर टू केवज का नाम सुना है नाली वाला ताली वाला क्या बनेगा एनिलिन एनिलिन का इमेज आ रहा है का दाए करा दो। माहौल गर्म नहीं है माहौल ठंडा है माहौल गर्म हो गया है? का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है हवा में हो पा रहा नहीं हो पा रहा है हवा में हमने इसमें ऐड करा फिनोल में एन एस सीओ टू पहचान कर बताओ कौन सा रिएक्शन पोलवे या रीमा टीमा पोलवे इलेक्ट्रोफाइल सीओ टू फिनॉल में कहा जाएगा ऑर्थो पैरा जनरली मेजर पेरा बनता है यहाँ क्या बनेगा ऑर्थो सीओ आ रहा है या नहीं आ रहा का नाम सुना है लेकर भाग्याल की फिनॉल की गायब एसिड है या नहीं है या नहीं है सोडा लाइन वो आता है तो क्यों निमोनिया आया मोहल्ले में कौन आया निमोनिया सोल्ट बनेगा हीट करेंगे अमाइड बनेगा? या नहीं आ रहा या इसमें मैंने ऐड करा बी आर टू क्या बना <laughs> क्या बना <laughs> क्या बना, <laughs> क्या बना? <laughs> एनिलीन एनिलीन का रिएक्शन मैंने एनएनो टू एस सी एल के साथ कराया कौन सा रिएक्शन है माहौल ठंडा है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है तो माहौल कैसा है एकदम से धूप निकल गई तो माहौल क्या हो गया गरम क्या बन गया फिनॉल फिनॉल कहीं में जा रहा है जिंक डाल दो क्या बना अब बेंजीन को जेब में रख लो बाद में कभी यूज करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं भैया एनिलीन वाला पोर्शन हमने समाप्त कर लिया है और इसके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं आज मैंने जो क्विज अपलोड करा है एक क्विज अपलोड करा बीस क्वेश्चन का ए से बी बी से सी ठीक है हम हाँ हमारे एग्जाम में ए से बी और बी से सी आएगा हम जेड तक करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा हवा में ऐसे ऐसे करके सोल्व करेंगे ठीक है तो हमारा टारगेट है हवा में क्वेश्चन सोल्व करना मगर उसके लिए रिएजेंट जबरदस्त हमारे साथ होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे अगला रिएक्शन वन साइड पेज छोड़कर लिख दें नया रिएक्शन है यहां से सब समझ में आएगा पुराने ईएसआर का इससे कोई लेना देना नहीं है फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन वन साइड एक अरे यार ये एक साइड जो है छोड़ दो तो, बहुत हिंदी में बोला है मतलब मुझे पता है अंग्रेजी कमजोर है आपका फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन रिएक्शन जल्दी जल्दी नोट करो फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन रिएक्शन लिखा इसमें लिख लो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समाप्त हुआ उसके बाद फिनॉल भी समाप्त करा उसके बाद एनिलीन भी समाप्त करा अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का तीन पोर्शन होता है अल्केन, अल्किन अल्काइन उसमें से हम अल्केन समाप्त करेंगे तो ब्रैकेट में लिखें अल्केन, अल्केन। लिखा अगेन पूरे फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन को समझने के लिए आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल है जिसको समझना बहुत जरूरी है <coughs> सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट क्या है रिप्लेसमेंट भाई बैठा है इसको भगा दिया कटरीना बैठी नाम क्या है कैटरीना क्या है? फिलिक इसका रिप्लेसमेंट किसने करा ये खुश हो रहा है उसकी तरह इशारे कर रहा है ठीक है अब रुक बेटा तू ठीक है इसको उठाकर यहाँ से फेंका और यहाँ विथ्या बालन आकर बैठ गई नाम क्या है बालन फिलिक खली आकर बैठा खली फिलिक्स ट्यूशन सलमान खान आकर बैठा सलमान खान फिलिक्स अगर रिप्लेसमेंट का पाप इलेक्ट्रोफाइल ने किया तो नाम इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल कर दे तो नाम फ्री रेडिकल रिएक्शन बताइए यहां रिप्लेसमेंट का कौन करेगा फ्री रेडिकल इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है फ्री रेडिकल रिएक्शन ठीक है जैसा कि बच्चों हमने ईएसआर पढ़ा तो ईएसआर में हमारा पहला डाउट था कि ईएसआर रिएक्शन कौन देता है तो आंसर आया एरोमेटिक रिंग ठीक है इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोगेडाइन

बाउंसर संभाल क्लोरोबेंजिन कहां जाएगा अब इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्लोरिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल प्रोमिनेशन नाइट्रेशन अल्काइलेशन आर प्लस आर सीओ प्लसू रीमा टीमा कार्बिन ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया टॉपिक समाप्त ठीक है अब ये सार के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं एफ तो अब डाउट आता है एफ कौन देता है तो साहब एफ एस आर देता है अल्केन कौन देता है अल्केन अब अल्केन में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बताओ ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है और सिग्मा बॉन्ड कमजोर होता है या मजबूत मतलब एफ एस आर कराने के लिए क्या हमें मजबूत बंधनों को तोड़ना पड़ता है क्या और मजबूत बंधनों को तोड़ने के लिए टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा या लो रखना पड़ेगा इसीलिए सब एफएसआर रिएक्शन हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर पे प्रोसीड करते हैं ठीक है तो बताइए एफएसआर पहला रिएक्शन कौन देता है अल्केन कौन देता है अल्केन टेंपरेचर हाई या लो एफएसआर हाई पर क्यों होते हैं सिग्मा तोड़ना पड़ता है रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं ना कहीं कहानी फ्री रेडिकल से रिलेटेड है मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जीओसी में हाइपर कंजुगेशन बोला था गिन के बीस रिएक्शन है बर्बाद होगी अगर नहीं आता है तो हमें पन्ने नहीं पलटने बताओ क्या हाइपर अल्किन में लगेगा कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल लाइन बोलो एसपी टू कार्बन से डायरेक्टली कार्बन कार्बन क्या कहलाता है अल्फा जितने अल्फा जितने हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि ये पापी को कार्बोकेटाइन बोले या फ्री रेडिकल बोले क्या ये फ्री रेडिकल है या नहीं है है बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हे या नहीं है हाइपर लगेगा नहीं लगेगा बताइए इस बी के बारे में बात करें फ्री रेडिकल है या नहीं है अल्फा एच है या नहीं है तीन और दो तीन और दो तीन थैंक यू बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन ए में लगेगा बी में मगर ए भी फ्री रेडिकल है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फ्री रेडिकल के लिए हाइपर लगने के लिए क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा एच गिनना आना चाहिए तो ये टॉपिक बर्बाद हो जाएगा फटाफट बिजली की रफ्तार से अल्फू बता। अल्फा क्या ये दो हाइड्रोजन है ये दो है आप बताओ अल्फू हाइड्रोजन क्या ये कार्बन अल्फा है ये अल्फा अच्छा 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 कोई बात नहीं बताओ अल्फा हाइड्रोजन <laughs> बहुत सारे यहां ढूंढ रहे थे मैंने यहां जो है अब बताओ अल्फू हाइड्रोजन चा चा है क्या ये अल्फा है अल्फा अल्फा तीन दो थो कितना सात बताइए अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या ये अल्फा है तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होता है छोटा रिएक्शन है बहुत ही छोटा सा है शुरू होकर जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा ए और बी में से बताओ ए में कितने अल्फा बी में वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा ए वाला ज्यादा स्टेबल बी वाला पक्का ए या बी अल्फा गिनो और बी में क्लियर है ओके okay. बताओ ए और बी में एक जगह फ्री रेडिकल बनाना पड़े तो कहां बनाएंगे बनाओ अल्फा गिनो कितने है? आता है यार आपको यू ऑल आर ए और बी में से अल्फा फ्री uh, रेडिकल कहां बनेगा आप ए पर बी पर है बनाओ अब जिसको बनाना नहीं अभी मैं सिखाऊंगा भाई ठीक है ये पुराना पाप है इनका ठीक है ए और बी में से अल्फा हाइड्रोजन बताओ कहां बनेगा बी पर गिनो ए पर बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहानी क्लियर है बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं एफ एस आर रिएक्शन तो पहला डाउट आएगा एफ एस आर रिएक्शन कौन देगा एरोमेटिक रिंग या अलकेन ओके यहां पर मैंने फोटो लिखा ये इस तरह का फोटो हमारे एग्जाम में आ गया ये तो एरोमेटिक है और ये पार्ट क्या है अल्केन बताइए अगर आपसे पूछा जाए एफ एस आर बाहर होगा या अंदर और ई एस आर अंदर क्योंकि ई एस आर एरोमेटिक पे होगा और एफ एस आर पे होगा टेम्परेचर हाई या लो रिएक्शन का सिंगल ड्राइविंग फोर्स होता है कि रिएक्शन हो क्यों रही है क्योंकि टेम्परेचर क्या रखने पड़ते हैं हाई क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है उसका कोई लेना देना नहीं है हमने नाम सुना है या सुना सुना है तो थर्मोडाइनेमिक्स नाम सुना है एंट्रोपी नाम सुना है जब भी रिएक्शंस में एंट्रोपी बढ़ती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है चलो छोड़ो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है ये तो बता सकते हो एक क्लास में पचास बच्चे और एक में एक बच्चा एंट्रोपी किसकी ज्यादा ठीक है तो ऐसा काउंट करके हो जाएगा हमारा काम ठीक है अब एफ के कौन कौन से रिएक्शन है पहले नाम लिख लो फटाफट -फड़ से फर्स्ट रिएक्शन लिखे हेल्लोजी नेशन अभी सोच ही रहा है शन सेकंड लिखे रिएक्शन विद एन बी एस स्पेलिंग मत लिख लेना ना भाई ऐसे लिखना एन बी एस रिएक्शन विद एन बी एस ए मत करो थोड़ पे लिखा है सेकंड लिखे मतलब नेक्स्ट लिखे नाइट्रेशन नाइट्रेशन ऑफ अलकेन नाइट्रेशन ऑफ अलकेन नेक्स्ट लिखे सल्फोनेशन ऑफ अलकेन सल्फोनेशन ऑफ अलकेन नेक्स्ट लिखें बस खत्म क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट कंपेयर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन दी गिवन कंपाउंड दी गिवन कंपाउंड लिखा बोर्ड पर देखो भाई ठीक है यही जो है कॉन्सेप्ट यही है इस रिएक्शन का बाकी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ब्रेक करा ब्रेक करा तो यहां पर फ्री रेडिकल बन जाता है बताओ ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है या डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड है ओके सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड तो इसेल बोले या रेडिकल बना बताइए सिंगल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद फ्री रेडिकल बना बताओ सिंगल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड या अनसे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद फ्री रेडिकल बना बताइए सिंगल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड तो इसे सैचुरेटेड या अनसेच्यूरेट बच्चों अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो सैचुरेटेड फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अनसेच्यूरेटेड फ्री रेडिकल तो भाई साहब जब भी कहीं सेचुरेटेड फ्री रेडिकल बने और अनसेच्यूरेटेड फ्री रेडिकल बने तो बताइए ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा सेचुरेटेड बताओ ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या डी वाला अच्छा बी वाला या डी वाला अच्छा सी वाला या डी वाला ये डी वाला अनस्टेबल क्यों है अनसेचुरेटेड है और ये तीनों क्या है सेचूरेटेड बताइए क्या इस फ्री रेडिकल को रज्जो मिली अल्फू मिली तीन तीन छ और एक अल्फा कितना अच्छे है तीन और दो रज्जो मिली यानी मिली बताइए क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है तीनों में से रज्जो वाला ज्यादा स्टेबल या नो रज्जो तो बताइए क्या ए बी सी में से स्टेबिलिटी सी का ज्यादा है इन दोनों को रज्जो मिली क्या अल्फू मिली क्या या अल्फा कितना तीन या छह छह वाला या तीन वाला तो क्या ए इज मोर स्टेबल देन बी और लास्ट में कौन आ जाएगा टी टी लास्ट में क्यों आया क्या आया ये बताओ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया नहीं आया अब यहां पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो समझ में आ गया हमने यहां पर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा और फ्री रेडिकल बनाया अब इस बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लगा उस ऊर्जा का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ा तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल बना और फ्री रेडिकल बनने में जो यहां पर बॉन्ड तोड़ने में ऊर्जा लगा उस ऊर्जा का नाम क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए ये फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल या नहीं बन रहा है और ये वाला फ्री रेडिकल बताइए ये फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल और ये वाला आसानी से फ्री रेडिकल सी वाला बनेगा या डी वाला क्योंकि सी वाला कैसा बन रहा है स्टेबल बताइए ये स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं टूटेगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा काम और इसका क्या होगा ज्यादा तो भाई साहब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा तो बताइए बीडीई का ऑर्डर क्या जाएगा टी बी ए सी ठीक है वापस समझिए इस बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है उस ऊर्जा का नाम क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल क्या आसानी से बनेगा नहीं बनेगा तो यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगा या कम लगा कम लगा ये बताइए ये फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल आसानी से बनेगा 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 नहीं नहीं तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगेगा कम लगेगा ज्यादा तो इसका बीडीई क्या होगा ज्यादा तो जहां फ्री रेडिकल अनस्टेबल बन रहा है उस जगह बी डीई क्या होगा ज्यादा ओके अब हवा में क्वेश्चन बताओ ए और पी में फ्री रेडिकल स्टेबल कहां बनेगा तो बी डी किसका ज्यादा इसका उल्टा ठीक है यहां अगर आपसे पूछा जाए इस फोटो में कि भैया ए और बी में से फ्री रेडिकल स्टेबल कहां बन रहा तो बी डी किसका ज्यादा दो दिया होगा और वहां पूछा जाएगा आपसे कि बी डी किसका ज्यादा बी का या ए का और वो भी नहीं पूछा जाएगा सिंपल सी बात है आपसे पूछा जाएगा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ए पर बनाएंगे बी पर बताइए हम पढ़ रहे हैं या ESR? FSR में हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है Sigma. क्या सिग्मा तोड़ने के लिए टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है बताइए आसानी से फ्री रेडिकल ए पर बनेगा बी पर क्योंकि ए पर बनने वाला फ्री रेडिकल क्या बन रहा है स्टेबल तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा ई e का बी का किसका ज्यादा बी का छाप लोकेशन छाप लिया फर्स्ट रिएक्शन लिखे हैं जी नेशन ये कंप्लीट है भाई देखिए हेलोजी नेशन हमने ई एस आर में भी पढ़ा और हम एफ एस आर में भी पढ़ने जा रहे हैं हमें कैसे पता लगे कब ये ई एस आर का हेलोजी नेशन है और कब एफ एस आर का है तो अगेन रिएजेंट रिएजेंट देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये ई एस आर है या फिर एफ एस आर अगर हेलोजन के साथ में लिविस एसिड दिया होता है तो ये कौन सा रिएक्शन है ई एस आर और क्लोरीनेशन का क्या बनता है सी एल प्लस अगर ब्रोमिनेशन होता तो बी आर प्लस तो ये तो समझ में आ गया ये रिएक्शन ई एस आर है या एफ एस आर ई एस आर अल्केन या एरो कहा होगा एरो मगर साहब यहां पर हमें कैसे पता लगे सिर्फ हेलोजन लिखा रहे नहीं पता लगेगा बट अगर हेलोजन के साथ में दिया रहे या तो लाइट या फिर दिया रहे हाई टेम्परेचर या फिर हेलोजन के साथ में दिया रहे यूवी लाइट तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है एफएसआर भैया एफएसआर लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर पर बताइए ईएसआर या एफएसआर एफएसआर अल्केन या एरोमेटिक बताइए साहब ये एल्कीन है या नहीं है बताओ अल्केन है या नहीं है तो अल्केन पर रिएजेंट देखकर पहचानो ईएसआर हो रहा है या एफएसआर एफएसआर का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है यहां से और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ कैसे क्वेश्चन करना है हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ और जो हाइड्रोजन आया उसे हेलोजन के साथ भगाओ ठीक है तो बताइए हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ कितना ही टफ क्वेश्चन हो ऐसे सॉल्व होगा हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ अब हेलोजन कहां लगाओ स्टेबल फ्री रेडिकल पे लगाओ या अनस्टेबल तो टू डिग्री पे लगाओ या थ्री डिग्री पे तीन अल्फा वाले पे लगाओ या छे अल्फा वाले पे अल्फा वाले पे या रज्जो वाले पे रज्जो वाले पे या मोर रज्जो वाले पे क्या ये कहानी क्लियर है या नहीं है तो पहचान के बताओ ये रिएक्शन ई एस आर है या एफ एस आर ये रिएक्शन पहचान के बताओ ई एस आर या एफ एस आर क्या रिएजेंट हमें बता रहा है क्या बताओ एरोमेटिक और ये कर सकते हो क्वेश्चन ओके okay, यहां पर हम इसको वन बाय वन सारे रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोरीनेशन कौन सा नेशन क्लोरिनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन सब पढ़ेंगे तो लिखें इसके बारे में पहले हेलोजिनेशन के बारे में लिखें इफ अल्केन रिएक्ट विद हेलोजन in the presence of light in the presence of light then it will produce hello alkane hello alkane नेक्स्ट लाइन में इसको लिखने के लिए लाइन छोड़ दो हेडिंग लिखे क्लोरिनेशन इसको लिखने के लिए लाइन छोड़ दो हेडिंग लिखे क्लोरीनेशन अब क्लोरीनेशन में लिखेंगे लिखवाऊ इफ अल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन if alkane react with chlorine in the presence of light then it will produce chloroalkane इट विल प्रोड्यूस क्लोरो अल्केन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस so it is non-selective so it is non-selective लिखा बोर्ड पर देखेंगे <laughs> देखो ये एक ही बार मैकेनिज्म है मैकेनिज्म का भी सिर्फ आर वाला स्टेप याद रखना है और बाकी कोई याद नहीं रखना कहीं पर कोई मैकेनिज्म का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा इस पूरी रिएक्शन में देखो सीएल टू के साथ में अगर आपको लाइट नजर आ जाए या हाई टेम्परेचर नजर आ जाए तो आप समझ जाएंगे ये रिएक्शन ई एस आर है या एफ एस आर एफ एस आर के अल्केन पर होगा क्या तो अब अभियान क्या चलेगा हाइड्रोजन हटाओ राजकुमारी को लगाओ और भैया दूसरे फिकमंगे को दूसरी राजकुमारी के साथ भगाओ तो हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ दिया तो बिहार लगाओ सीएल दिया तो सीएल लगाओ आई दिया तो आई लगाओ कर लोगे क्वेश्चन अब इसका मैक मैक मतलब माचिस मैकेनिज्म अब साहब मैकेनिज्म यहां पर तीन तरह के स्टेप में कंप्लीट होता है एक होता है चेन इनिशिएशन एक होता है चेन प्रोपोगेशन और एक होता है चेन टर्मिनेशन देखो मुझे कुछ नहीं आता मुझे कॉन्सेप्चुअली कुछ बातें पता है उससे मैं सारा मैकेनिज्म लिख देता हूं बताओ इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना और प्रोपोगेशन का मतलब आगे बढ़ना और टर्मिनेशन मतलब समाप्त होना ठीक है तो भैया पहले स्टेप में फ्री रेडिकल का बनना स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसे बोलेंगे चेन इनिशिएशन दूसरे स्टेप में चेन प्रोपोगेशन में फ्री रेडिकल आगे बनते ही जा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन मतलब सारे फ्री रेडिकल का समाप समापन हो जाना उसे क्या बोलेंगे चेन टर्मिनेशन तो पहले तो बताइए इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन वर्ड क्लियर है या नहीं है अब साहब यहां पर हम एक कहानी आपको सुनाता हूं इस, इसको समझाने के लिए मैकेनिज्म को समझाने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी सुनने के लिए यस सर सुनाइए ठीक है सुने कहानी ठीक है बताओ ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है सिग्मा बॉन्ड मजबूत है या कमजोर है मजबूत बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, है या नहीं है तो साहब एक बार ऐसा हुआ कैसा हुआ ऐसा हुआ एक थे कल्ला कल्ली कौन थे कल्ला कल्ली ये कल्ला कल्ली रहते थे काली पहाड़ी के पीछे कहा रहते थे और काली पहाड़ी के पीछे था काला गांव कौन सा गांव काला गांव और काला गांव में झोपड़ी बनाई थी काली झोंपड़ी कौन सी झोंपड़ी तो भैया एक कौन थे कल्ला कल्ली कहा रहते थे काली पहाड़ी के पीछे कौन से गांव में काले गांव में कौन सी झोंपड़ी में काली झोंपड़ी में भाई साहब दोनों ने एक दूसरे के साथ छीने की कसमें खाई थी होता है ना दोनों ने एक दूसरे को बोला था कि एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे अपना तो सदियों जन्मों का नाता है जान से जान को कौन जुदा कर पाता है अब साहब ये अपना जीवन रहे थे और एक दिन सुबह सुबह इनके जीवन में एंट्री ली रोशनी ने किसने एंट्री ली क्या रोशनी में बिजली सी ताकत होती है क्या जैसे ही रोशनी इनके जीवन में आई भाई साहब रोशनी ने तांडव मचा डाला और दोनों का होमोलिसिस करा डाला क्या करा डाला Homolysis करा डाला तो कल्ला बन गया डॉट और कल्ली बन गई डॉट बताइए ये बंधन तोड़ने के लिए क्या रोशनी रोशनी है क्या क्या और इनके जीवन में नहीं आती तो क्या, ये बंधन टूटता है या नहीं टूटता तो भैया रोशनी की ताकत से ये बंधन टूटे हैं तो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा चेन इनिशिएशन बताइए क्या कल्ला कल्ली के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है धोखे का बदला क्या होगा धोखा साहब यहां पर कल्ली डॉट ने जो है जिंदगी के चौराहे पर भिकमंगे को देखा किसको देखा भिकमंगा उस दिन करीना के साथ सॉफ्टी खा रहा था क्या खा रहा था एक ही सॉफ्टी से दोनों ने टाण्डव मचाया था पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम, पहले तुम। क्या भाई यहां पर धोखा हुआ या नहीं हुआ क्या कल्ली ये गम बर्दाश्त कर पाएगी क्या पता नहीं कल्ली डॉट ने भिकमंगे से क्या बोला पर्सनल टॉक था सुनाई नहीं दिया मगर कल्ली भिकमंगे के साथ फरार और करीना को क्या बना गई डॉट कल्ली कल्ली किसके साथ फरार भिकमंगे के साथ और करीना को क्या बना गई डॉट इस करीना को आज तक समझ में नहीं आया सॉफ्टी के पैसे कौन देगा ठीक है भाई मेन मुद्दा तो वही है सॉफ्टी के पैसे कौन देगा एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है चेन प्रोपगेशन और रोशनी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का बनना क्या कहलाता है चेन इनिशिएशन तो साहब यहां पर करीना डॉट के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है हुआ है और धोखे का बदला क्या होता है धोखा जिंदगी के दूसरे चौराहे पर करीना डॉट ने वापस कल्ला कल्ली देखे क्या देखे कल्लाकल सर कल्ला कल्ली तो देख लियो मैं दूसरे कहां से आ गए ये? हमारे पापी मन में तो एक ख्याल आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा भैया रिएक्शन मोल्स में होती है किस में होती है मोल्स में ये सीएल टू का एक मोल नहीं है बहुत सारे मोल हैं अल्केन का एक मोल है या बहुत सारे बहुत सारे तो ऐसे कल्ला कल्ली एक है मोहल्ले में या बहुत सारे हैं तो भैया ऐसे कल्ला कल्ली मोहल्ले में बहुत सारे घूम रहे हैं जैसे ही करीना डॉट ने इन कल्ला कल्ली को देखा करीना का खून खोल उठा क्योंकि इसके साथ क्या हुआ था धोखा करीना डॉट इसके करीब जैसे ही बढ़ने लगी दोनों ने बोला हम वो नहीं है वो हमारे कजन्स थे कौन थे कजन्स थे मगर धोखा हुआ है तो धोखे का बदला क्या होगा धोखा साहब कल करीना डॉट ने इन दोनों का भी होमोलिसिस करा डाला और अगेन एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा चेन प्रोपोगेशन और भाई साहब ये प्रोसेस आगे बढ़ना चालू हो गया यहां पर सीएल बनता था अलकेन के पास जाता था फ्री रेडिकल बनाता था फिर से जो है अलकेन फ्री रेडिकल बनता था दूसरे मोल कल्ला कल्ली के पास जाता था इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ने लगा इस स्टेप को क्या बोलेंगे चेन प्रोपोगे और लास्ट में आता है क्या चेन टर्मिनेशन टर्मिनेशन का मतलब समापन जितने भी फ्री रेडिकल बने सब समाप्त हो जाना बताओ क्या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना या नहीं बना देख कर बताओ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कल्ला फ्री रेडिकल सीएल फ्री रेडिकल बन रहा है करीना फ्री रेडिकल ऐसा फ्री रेडिकल एक बन रहा है या बहुत सारे ऐसा एक बन रहा है या बहुत सारे है तो भैया ऐसा मोहल्ले में प्रेजेंट है या नहीं है ऐसा है? है या नहीं है ऐसा है? है या नहीं है अे? बताओ ऐसा एक है या बहुत सारे या तो कल्ला कल्ली वापस मिल जाए और खत्म हो जाए या जो है करीना डॉट करीना डॉट आपस में मिल जाए या ये भी खत्म हो जाए या दोनों में क्रॉस हो जाए और इस तरह से खत्म हो जाए इस तरह से यहां पर यह बना मेरा इतना सा डाउट है एच डॉट और सी एल डॉट मिलकर खत्म क्यों नहीं हुआ एच डॉट तो जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गए तो फ्री रेडिकल का बनना समाप्त हो जाना वो क्या कहलाता है चेन टर्मिनेशन ठीक है तो भैया सिग्मा बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने बिजली का ताकत दिया ताकत दिया तो बंधन टूट गए और क्या बन गया फ्री रेडिकल तो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का बनना क्या कहलाएगा चेन इनिशिएशन एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा चेन प्रोपोगेशन और फिर लास्ट में जितने टाइप के फ्री रेडिकल बने हैं वो समाप्त हो जाना वो क्या कहलाएगा चेन टर्मिनेशन बच्चों यहां पर फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन यहां पर थ्री डिग्री है एक हाइड्रोजन यहां पर टू डिग्री है और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर वन डिग्री है बताइए फ्री रेडिकल कहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा ए बी सी में से भाई इस बॉन्ड को तोड़ेंगे फ्री रेडिकल बनेगा बताओ ए में स्टेबल बी में स्टेबल सी में स्टेबल तो बताइए यहां पर रिएक्टिविटी थ्री डिग्री हाइड्रोजन टू डिग्री हाइड्रोजन और वन डिग्री हाइड्रोजन में किसका ज्यादा उसके बाद टू डिग्री उसके बाद वन डिग्री इसका रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल अब साहब इस प्रोसेस से आप फ्लोरिनेशन भी करा सकते हैं क्लोरिनेशन भी करा सकते हैं ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं और आयोडिनेशन भी करा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन हो आ सकता है कि फ्लोरिनेशन फास्ट होगा क्लोरिनेशन फास्ट होगा ब्रोमिनेशन या आयोडिनेशन तो डिपेंड करेगा आरडीएस के ऊपर किसके ऊपर आरडीएस अब आरडीएस स्टेप को ढूंढते हैं बताओ आरडीएस स्टेप स्लो होता है या स्लोएस्ट बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं सिग्मा ये कौन सा तोड़ रहे हैं सिग्मा 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 कौन सा तोड़ रहे हैं बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है तीनों में से कोई एक आरडीएस होने वाला है क्या यहां पर हमने बिजली की ताकत देकर बॉन्ड को तोड़ा है क्या तो ये वाला स्टेप कैसा हो जाएगा फास्ट बताइए फास्ट क्यों हो रहा है एनर्जी देकर तोड़ रहे हैं इसलिए यह स्टेप क्या है फास्ट अब यहां पर जब ये सिग्मा तोड़ा तो भैया स्लो हो सकता है ये सिग्मा तोड़ा तो स्लो हो सकता है यहां पर बच्चों थ्री पी थ्री पी ओवरलैपिंग है या वन एस टू पी ओवरलैपिंग है बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वन एस टू पी है या थ्री पी थ्री पी है तो ये ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड है मतलब ये वाला स्टेप स्लोएस्ट हो गया और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाएगा आरडीएस बताओ आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है फ्री रेडिकल जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा ज्यादा बताइए थ्री डिग्री फ्री रेडिकल फास्टली रिएक्ट करेगा या टू डिग्री टू डिग्री या वन डिग्री इसलिए इन हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऐसा होगा बट अगर फ्लोरिनेशन कराएंगे तो रिएक्ट करने फ्लोरिन रेडिकल जाएगा या क्लोरीन रेडिकल तो फ्लोरिन रेडिकल रिएक्ट करने जाएगा क्लोरिनेशन में क्लोरिन रेडिकल ब्रोमिनेशन में ब्रोमिन रेडिकल आयोडिनेशन में आयोडीन रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर बनने वाला बताओ जब फ्लोरिनेशन होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो एच बनेगा या एल बनेगा तो यहां स्टेप में बॉन्ड क्या बनेगा में SCL. में HBR. में ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होता है क्या होता है एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिलीज होता है तो सिस्टम एक्सोथर्मिक होता है कैसा होता है एक्सोथर्मिक अब यहां पर वन एस टू पी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना यहां वन एस थ्री पी से बना वन एस फाइव फोर पी से बना और यहां वन एस फाइव पी से बना बताओ स्ट्रॉगर बॉन्ड कौन सा बन रहा है तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा रिलीज होगा तो एनर्जी सिस्टम से कम होगी और सिस्टम से कम होगी तो सिस्टम क्या होगा स्टेबल तो बताइए ज्यादा एनर्जी रिलीज एच एफ बॉन्ड करेगा या एच आई क्यों कर रहा है स्टेबल बॉन्ड बन रहा है तो बताइए

अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा थ्री डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्ट करेगा या टू डिग्री क्यों कर रहा है क्योंकि बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या या अनस्टेबल तो तो इसलिए डिग्री 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 और पूछा जाएगा कि एफ एफ रेडिकल 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 फास्टली रिएक्ट करेगा आई तो आंसर क्योंकि में यहां पर एच एफ बॉन्ड बनेगा जो कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और रिलीज करेगा तो सिस्टम से कम हो जाएगी और सिस्टम से कम हो जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा स्टेबल समझ में आया छापो वेट 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 बोलो बेटा छाप लिया एनसीईआरटी लेकर आए हुए एनसीआर टी ट्वेल्थ की एनसीआरटी नई वाली एनसीईआरटी जहां पर एनिलीन लिखा था अपन ने एनिलीन वाला पोर्शन जहां समाप्त करा था वहां पर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको मॉड्यूल नंबर सिक्स का होमवर्क बाद में करेंगे पहले जो मैंने क्विज अपलोड किया उसको सॉल्व करना वो अच्छे से क्लियर हो जाए देन होमवर्क को सॉल्व करेंगे ठीक है तो एनिलीन चैप्टर जहां हमने समाप्त करा है वहां का होमवर्क लिख ले आप लोग एक पेज छुड़वाया मैंने वन साइडेड वहां लिखो होमवर्क मॉड्यूल नंबर सिक्स पेज नंबर वन फोर्टी फोर मॉड्यूल नंबर सिक्स पेज नंबर वन फोर्टी फोर क्यों मॉड्यूल नंबर सिक्स पेज नंबर वन फोर्टी फोर बीबी नंबर टू कंप्लीट पेज नंबर जरूर लिखना गलत एड्रेस पर पहुंच गए तो निपट जाओगे ठीक है बीबी नंबर टू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर वन एक्सरसाइज नंबर वन पेज नंबर वन सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री 34 35, 36. exercise number second page number 150 exercise number second page number 150 question number one two three one two three seven ताली वाला का क्वेश्चन दे दूंगा ताली वाला का क्योश... ताली वाला रिएक्शन का नाम क्या है हॉफमैन मैन ब्रोमामाइट क्या नाम है हॉफमैन मैन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एक्सरसाइज नंबर थर्ड पेज नंबर वन फिफ्टी एट एक्सरसाइज नंबर थर्ड पेज नंबर वन फिफ्टी एट पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन एनसीआरडी पेज नंबर अमाइन चैप्टर एनिलीन वाले पोर्शन का एनसीआरडी पेज नंबर टू फिफ्टी नाइन से लेकर ये बता दिया ओके सीआरडी okay, के क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर टू एटी पर पेज नंबर टू एटी पर क्वेश्चन नंबर नाइन पॉइंट वन वन नाइन पॉइंट वन वन इसमें सात आठ क्वेश्चन है हो जाएगा कुछ नहीं है जो हवा में सॉल्व कर रहे थे अभी वही है ठीक है ये किसका है मॉड्यूल मॉड्यूल का मालिक इसका मालिक